नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी, हक के लिए बुलंद की आवाज। केस कम होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, अभी भी एहतियात बरतना जरूरी। खड में मिला सरिये का बंडल, लोगों में चर्चा, कहां से आया हजारों रुपए का सरिया। सड़क की हालत खस्ता, फल सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में हो रही किसानों को दिक्कत। और अब समाचार विस्तार से। जिला मंडी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी महासंघ का क्रमिक अनशन जारी है। सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकाघाट ब्लॉक के कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के सरकाघाट ब्लॉक के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को आज पूरे 12 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पूर्व न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश सरकार को चुनावों के दौरान इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। जी नमस्कार, मैं पवन शर्मा, खंड अध्यक्ष सरकाघाट। आज लगभग क्रमिक अनशन का हमारा यह 12वां दिन चला हुआ है। वैसे ये 13 अगस्त से हमारा शिमला से शुरू हुआ था, लेकिन सरकार ने हमारी जो कोई भी बात या कोई भी हमसे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद हमारा जो क्रमिक अनशन है वो लोकसभा के चारों क्षेत्रों में शुरू हुआ, जैसे शिमला, हमीरपुर में, कांगड़ा में और मंडी में। ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है और सबसे पहले मैं आप सभी का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो कि आप सभी इस मुद्दे को आम जन तक पहुँचा रहे हैं। आपको पता है जो एनपीएस है वो सिर्फ और सिर्फ जिसको न्यू पेंशन कहा जाता है, नई न्यू पेंशन का मतलब नो पेंशन स्कीम। कोरोना के मामले कम होने का अभिप्राय ये नहीं है कि कोरोना का संकट टल गया है, इसके लिए एहतियात बरतना अभी भी उतना ही जरूरी है जितना इससे पहले था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल में जुटी रोगियों की भीड़ को होमगार्ड कर्मचारी समझाते बुझाते नजर आए। होमगार्ड के कर्मचारियों द्वारा रोगियों को सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हुए मुंह पर मास्क लगाने की सलाह देते हुए देखा गया। गौर रहे कि रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को अस्पताल में रोगियों की अक्सर भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके चलते पर्ची काउंटर पर सुबह से ही रोगियों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब से कोविड का जो थर्ड वेव थी उसके बाद थोड़ा कम हुआ था कोविड का प्रकोप, तो लोगों में ये धारणा बैठ गई थी कि शायद कोविड चला गया है। पर मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बार बार भी आपके टीवी के माध्यम से भी बताते हैं और वैसे भी हमारे होमगार्ड्स हैं, हमारे जो क्लास फोर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, हमारे वर्सर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग पेशेंट्स को आगाह करते हैं जो लोग हॉस्पिटल आते हैं कि आप कृपया करके मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि मास्क लगाने से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। आपको डायरेक्टली जो है जो आपके एरोसोल्स होते हैं जिनसे आपको वायरस का कॉन्टैक्ट हो पाता है, हो सकता है, तो आप वो एरोसोल्स आपके डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, ट्रिपल एयर मास्क बहुत इफेक्टिव है। आप जरूरी नहीं कि आप N95 या दूसरे मास्क पहने, ट्रिपल एयर मास्क भी आपका बहुत जरूरी है। वो भी आपके पास नहीं है तो आप सिंपल अपना जो ना कोई जैसे रुमाल है, कोई इस तरह की चीज़ है ना, प्रोटेक्शन के तौर पर पहुँच सकते हैं। हमारे होमगार्ड भी उनको बार बार, जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हमारी बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ हम बार बार उनसे आग्रह करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मास्क पहन लीजिए ताकि आपको कम से कम इन्फेक्शन ना हो। घर में आपके बच्चे भी होंगे, घर में आपके बुजुर्ग भी होंगे जो कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं, तो हम इस तरफ हम पूरा ध्यान रखते हैं और उनको बार बार हिदायत देते हैं। उपमंडल ज्वाली के अधीन हरिया स्थित क्रशर की कुछ दूरी पर दरिया में पानी में पड़ा हुआ सरिया का एक बंडल पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। हर कोई देहर खड के पानी में सरिया के एक बंडल को पड़ा देख हैरान हुआ। हर कोई यही सोचता रहा कि यह बंडल आखिरकार पानी के बीच कहां से आया।
हर कोई यही अंदेशा लगाता रहा कि किसी ने इस बंडल को कहीं से चोरी किया है और यहां पहुंचने पर किसी ने चोरों को देख लिया है और चोर इस बंडल को देहर खड्ड के पानी में फेंक कर भाग गए हैं। ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है शायद यह सरिया किसी ठेकेदार द्वारा छिपाया गया है या फिर किसी ठेकेदार द्वारा किसी को बेचा गया है। मामले की छानबीन जारी है। सिलोगड़ा से हरड को जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा इस मार्ग की हालत को सुधारने के लिए लंबे अरसे से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क की खस्ता हालत होने के कारण उन्हें कृषि उत्पादों को मुख्य मार्ग तक पहुँचाने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार मार्ग की हालत खराब होने के कारण मालवाहक वाहन चालक भी आने से कतराते हैं। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।